अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम टोनोफ्लेक्स पी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, टोनोफ्लेक्स पी का साल्ट है ट्रामाडोल प्लस पैरासीटामोल, और इसको सामनी फार्मा मैन्युफैक्चर करते हैं। तो दोस्तों, ये 10 टैबलेट की डब्बी होती है और इसको 5 दिन यूज़ करना होता है, और ये एज ए पेन किलर इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि शदीद किस्म का पेन हो गया, जैसे कि अर्थराइटिस का पेन, हेडेक का पेन, जॉइंट पेन्स और नेक पेन, दांत का दर्द, इन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। और जो कॉमन इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है वो हड्डियों का दर्द, और इसके अलावा आपके जोड़ों का दर्द, उन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है। और मस्कुलर पेन में तो इसका बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल है, लेकिन इसका जो थीम है कि 5 दिन से अबव यूज़ नहीं करना इसको। तो व्यूवर्स, आप लोग इस कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसको 12 साल से कम उम्र के अफराद यूज़ नहीं कर सकते, उससे बड़े अफराद यूज़ कर सकते हैं। और कितना भी पुराना दर्द हो, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये था इसका तरीकाकार। ये मतलब फोर्ट में भी मार्केट में अवेल है, और इसके अलावा मतलब छोटी ताकत में भी अवेल है। तो इसके अलावा बहुत सारे डॉक्टर्स इसको हड्डियों के मसाइल में यूज़ करते हैं, और बहुत सारे हड्डियों के डॉक्टर्स भी इसको रेकमेंड करते हैं। तो व्यूवर्स, इसके इस्तेमाल की बात करें तो इस टैबलेट को खाने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को मस्कुलर पेन के अलावा हेडेक पेन है तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका यूज़ क्या है। इसको एक टैबलेट को आप सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं, एक टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। खाने के बाद इसको यूज़ करना होता है, और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना होता है। तो इसके अलावा बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो व्यूअर्स, इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो हेडेक हो सकता है, नोजिंग हो सकता है, कॉन्स्पिटेशंस हो सकता है, ये प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अदरवाइज़ आप खाने के बाद यूज़ करेंगे तो आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा, और ये भी 100 में से किसी एक पेशेंट्स को होता है। और किसी व्यूअर ने कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेडिकल से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।